आज हम आए हैं इंदौर के 56 में, जहाँ जॉनी हॉट डॉग की फेमस दुकान है। इस जॉनी हॉट डॉग के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, इसकी टिक्की भी आपने और हॉट डॉग भी खाए होंगे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इसके मालिक हैं विजय सिंह राठौर, जो कि काफ़ी गरीब परिवार से और काफ़ी संघर्ष की सिचुएशन में इस दुकान को उन्होंने ओपन किया था। वो कहते हैं कि वो इंदौर के बाकी दुकानों की तरह फेमस समोसा और कचौड़ी लोगों को नहीं परोसना चाहते थे। इसके पीछे दो कारण थे। एक पहला कारण तो ये कि वो कुछ ऐसा बेचना चाहते थे या लोगों के बीच परोसना चाहते थे जो भीड़ से अलग दिखाई दे, और दूसरा ये कि समोसा या कचौड़ी बनाने का जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी दुकान खोलने का जो लागत है वो ज़्यादा होता है। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से मदद ली, जो कि एक अनुभवी रसोइया थी। तो उन्होंने अपने बेटे को आलू टिक्की बनाना सिखाया, उन्होंने इसे सीखा और इसे ब्रेड के बीच में स्टफ़ किया और सैंडविच को, यानी कि जो ब्रेड होता है उसको घी में रोस्ट किया। विजय बताते हैं कि उन्होंने ग्राहकों के बीच थोड़ी सी क्यूरोसिटी पैदा करने के लिए इस डिश को नाम दे दिया हॉट डॉग। भैया ये क्या बना रहे हैं? वेज हॉट डॉग। अच्छा, ये एक दिन में लगभग कितने बिकते होंगे? कोई अंदाजा लगभग एक दिन में कुछ जितने ग्राहक आ जाए उतने। क्या क्या डाला है इसमें? आलू है, बेसन है, हरा धनिया है, नमक है और मिर्च है। अच्छा, और उसकी आलू की टिक्कियां बनाकर और ये ब्रेड के अंदर डालकर। दुकान ये वाली कब से ओपन हुई है भैया? ये शॉप को ओपन हुए लगभग 40-45 साल। 40-45 साल। और इसका कोई और भी आउटलेट है क्या? नहीं, नहीं, ये सिंगल आउटलेट है पूरे इंदौर में। पूरे इंदौर में ये एक हॉट डॉग कितने का मिलता है? जी, वेज वाला 30 रुपए का एक। अच्छा, और नॉन वेज ये अंडे वाला 35 रुपए का, और मटन वाला भी 30 रुपए। क्या बात है, मतलब रेट काफी अच्छा है। ये सारे वेज वाले हैं या फिर इनमें कोई? ये सब वेज है। सब वेज है, यहाँ पर पूरा वेज है, पीछे अंडा है, उसके पीछे मटन। अच्छा, मतलब सारी का सभी का स्टॉल अलग अलग है। जॉनी हॉट डॉग का ये हॉट डॉग है, ये बहुत सस्ता है। मैंने आपको वहाँ बनते हुए भी दिखाया और बताया, सस्ता इसलिए क्योंकि वेज वाला जो है वो 30 रुपए, और जो नॉन वेज आप लेंगे अंडा या मटन का तो वो आपको मिलेगा 35 रुपए का। तो मुझे लगता है कि ये सभी तरीके के कस्टमर के लिए काफ़ी किफ़ायती दाम पे मिल जाता है। और दूसरी चीज़ कि इसको ऐसे पैकेट में ये लोग देते हैं, तो इसमें देने का मतलब ये है कि आपका जो ऑयल होता है, सारी चीज़ें होती है वो इसमें ही रह जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। काफ़ी अच्छे लगे अंदर की आलू टिकिया से ज़्यादा मुझे अच्छा ये ब्रेड लगा, और इसमें आपको ऑयल ज़्यादा पता नहीं लगेगा, और थोड़ा सा चटपटा टेस्ट तो है। मुझे लगता है कि इंदौर के 56 में ज़्यादातर चीज़ें चटपटी बन रही हैं, क्योंकि लोगों को ऐसी ही चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। तो एक बार आपको जॉनी हॉट डॉग का ये किफ़ायती, सस्ता, उचित, सुंदर, टिकाऊ
ज़रूर हॉट डॉग ट्राई करना चाहिए और आपको 56